कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से। मैं अपने मायके आई हूँ और मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो खेतों में ना थोड़ा हवा चली हुई है, इसको आप अवॉइड कर देना। तो ये देखिए मेरे मतलब इधर बैक में ना नींबू का पेड़ लगा हुआ है और इसमें ना नींबू भी आए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ अभी, वो देखो छोटा सा नींबू इधर से दिख रहा है और इधर पीछे भी है, काफ़ी पेड़ है। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, इस नींबू के पेड़ पे ना कितने मतलब सुंदर नींबू लगे हुए हैं। और मुझे तो ना बस ये था कि इस पे ना एक ही नींबू लगा हुआ है, लेकिन जब मैंने बाद में मतलब थोड़ा सा साइड में होकर देखा ना, तो ये ना पूरा लदा पड़ा था नींबूओं से। इसे बहुत सारे नींबू लगे हुए थे। तो इधर ये देखो ऊपर भी दिख रहा है और इस और यहाँ पर ना काफ़ी पेड़ थे वो सामने अमरूद के। और ये जो इस पर पिंक पिंक फ्लावर आ रहे हैं ना, ये ना आड़ू का पेड़ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब वीडियो में तो क्लियर दिख भी नहीं रहा, लेकिन जब इसको रील में देखते हैं ना तो ऐसे मन करता है बस इस पेड़ पे चढ़ के बैठे रहो, इतना सुंदर लग रहा है ये। और उधर बच्चे अपनी पतंगे उड़ा रहे हैं, तो काफ़ी इकट्ठे हो रहे थे पड़ोस के। और ये यहाँ पे ना हम ना बटोड़े पे ना गोबर लगा रहे थे, तो दीदी और थे मतलब भाभी थी, तो मैंने सोचा अकेले पर कैसे लगाएंगे, तो मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ, उनकी हेल्प हो जाएगी और कुछ मस्ती हो जाएगी। वो ये ना कि अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मेरी मम्मी लगाती थी, तब उसके साथ लग जाते थे। तो बस वही बच्चों के साथ बच्ची बन गई मैं भी, और इनकी हेल्प भी हो गई और मतलब काम भी इनका हो गया था और मुझे भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का मौका मिल गया। और यहाँ पे गाइस ये फाइनली हमने ना बटोड़ा पूरा कर दिया। आप देख सकते हो इसके चारों तरफ गोबर लग चुका है और मतलब ये सारा काम ना हमने 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। और वैसे तो अगर मतलब ये है ना, क्योंकि काफ़ी जने थे, दो भाभी थी, मम्मी थी, मैं थी और बच्चे थे, तो काफ़ी जने थे, तो पता नहीं चला 1-1.5 घंटे में सारा पूरा कंप्लीट हो गया था। और वरना अगर वो अकेले करते तो इसमें ना काफ़ी टाइम लगता। और पता क्या गाइस, जब हमने ना मतलब बटोड़े का गोबर लगा लिया था ना, उसके बाद जैसे हम घर पे जाके हमने अपने हाथ धुले ना, तो जब तो हमें चाह था कि हमने चाचा में लगा दिया, लेकिन जब अपने हाथ धुले ना तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी हाथों में से कि पानी पीने का भी मन नहीं करा हमारा। और यहाँ पे ना मम्मी मेरी चूल्हे पे ना वो मतलब कि पोचा लगा रही थी, जैसे होता है ना गाँव में, तो चूल्हे के बाहर ना छोटा सा ओटड़ा बना हुआ होता है, तो बस ये पूरा स्पेस था उसका, इसमें हारा और चूल्हा दोनों इकट्ठे बनाए हुए थे। तो उसको ना मम्मी लीप रही थी, मतलब चूल्हे पे पोछा लगा दिया था, थोड़ा सा मिट्टी और गोबर इसमें ऐड करके ना मिक्स करके, तो मतलब और मिक्सचर बना के उसका उसे लीप रही थी। तो बस यहाँ पे ना मैंने मम्मी को बोला मम्मी वीडियो बना लेती हूँ। मम्मी ने अपना हाथ ना जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा मम्मी मेरे को वीडियो बनानी है, अभी रुक जाओ। तो हंसने लग गए, फिर थोड़ा स्लो किया और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। और मतलब ना मुझे पता नहीं क्या है, चूल्हा मेरे घर पे भी है यहाँ पे, लेकिन मेरे को ना अपने मायके वाला चूल्हा है ना जो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना मेरा मन करता है कि इसको ना सेम का सेम उठा के ना अपने घर ले जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वहाँ से नहीं आ पाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये, और मतलब लीपने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे गाइस है ना आड़ू का पेड़ था, तो मैं इसके ऊपर से ना फ्लावर तोड़ी जो पिंक वाला था, मतलब मुझे ना बहुत पसंद आया वो, क्योंकि मौसम है ना अभी मतलब कि इस टाइप के मौसम आया हुआ है कि फूल अभी खिलने लगे हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बना रही थी पोहा, तो मतलब ना मैं पोहा लेके गई थी अपने मायके में फर्स्ट टाइम, उन्होंने फर्स्ट टाइम खाया और फर्स्ट टाइम ही बनाया था उनके वहाँ पे। तो मतलब मेरे पास ना एक्स्ट्रा पड़ा था एक पैकेट, तो मैं लेके चली गई थी, तो मैंने कहा बच्चे थोड़ा खा लेंगे और उनको बनाना भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना मतलब मम्मी ने पोहे की तैयारी कर दी थी, तो और यहाँ उसकी मतलब मैं सिर्फ छोंक रही थी, उनको बता थी कैसे बनता है। और यहाँ पर मैंने पोहे को ना मतलब अच्छे से धुल के ना पानी में से, तो इसमें चीनी ऐड करके उसको 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से मतलब फूल जाए। और उधर बस मैंने साथ ही अपना जो छोंक का सामान था वो तैयार कर दिया था तुड़के का। और यहाँ पे प्याज इसमें मैंने डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दी थी, और जो भी सूखे मसाले वगैरह बस मतलब वो रखे हुए थे अपने पास डालने के लिए। और इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया था, वैसे नॉर्मल हम डालते नहीं हैं, लेकिन बस वहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। और मेरे पास इसमें डालने के लिए ना, क्योंकि वो नहीं थे मूंगफली नहीं थी, उसकी गिरी जो होती है ना वो नहीं थी, तो बस इसलिए मैंने सोचा, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें क्या डालूं, लेकिन तभी मम्मी बोले कि इसमें ना तो एक काम कर, इसमें मटर ऐड कर दे, थोड़े से मटर पड़े हैं। तो बस यहाँ पे इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया था, और ये टमाटर जब अच्छे से मतलब मैंने उसको ना मतलब कि पका दिया था, इसका मसाला था जो अच्छे से रेडी हो गया था जब बिल्कुल पूरा। और आप देख सकते हो मतलब ना काफ़ी अच्छी ग्रेवी सी बनी है इसकी, रेड रेड सी। और तब इसमें मैंने ना मतलब कि मटर ऐड कर दिए थे, और आप देख सकते हो, और वही है ना कि मटर जैसे थोड़े कच्चे से होते हैं ना, हार्ड होते हैं, तो इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो नॉर्मल जो थे इसमें प्याज वगैरह टमाटर वगैरह, तो वो डल गए थे,
तो बस मटर ही थे, तो मैंने उसके लिए भी फिर मैंने माइंड लगाया कि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना और गैस को सिम करके ढक के रख दिया था कि ताकि जब तक मतलब पोहा वो होएगा ना थोड़ा सा फूलेगा तब तक मतलब जो मसाला अच्छे से हो जाएगा और मटर भी गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने ढक के रख दिया था जिससे मतलब कि अच्छे से हो गए थे, और उसके बाद मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि पोहा ना कितना अच्छा और कितना सुंदर बना, और खाने में भी ना सच में बहुत टेस्टी बना था। मतलब बनाती मैं काफ़ी बार हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा पोहा इतना टेस्टी बना। और वो जो क्लिप थी ना पोहा डालने वाली, तो गाइस मुझसे ना मिस हो गई थी। और ये क्लिप में आप देख रहे हो ये ना पेड़ मतलब बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो ये मतलब कि बेल है ना, तो ये तोरी की बेल थी, इसमें ना तोरी लगी हुई थी, तो ये भी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। तो मतलब कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना ये पेड़ का। तो और मेरे मायके में ना पेड़ ही बहुत है, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ ना मतलब मुझे ये व्यू ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने कैप्चर कर लिया था। और ये शाम का टाइम हो चुका था, तो भैंसों को ना मतलब घास डालना था, तो भतीजी मेरी खोल के वहाँ पे बांध रही थी जहाँ पे उनके लिए घास डाल रखा था। और ये चारों तरफ का व्यू है घर का, खेतों का, क्योंकि अभी सरसों लगा रखे हैं तो चारों तरफ सरसों ही सरसों हुई पड़ी है, तो सरसों। और गाइस अभी ना मैं मायके से ना मतलब घर आ चुकी हूँ अपने ससुराल में, तो बस ना मतलब बस से आई थी तो ना थक गई हूँ क्योंकि बीमार हुई हूँ ना, काफ़ी दिन से बीमार चल रही हूँ, मुझे 1 मंथ हो गया बीमार। तो मैं करनाल 2-3 बार जाके आई हूँ, तो दवाई लेने गई थी, तो मेरी लास्ट वाली दवाई थी जो लेके आनी थी वो मैं ले आई हूँ, तो उन्होंने मना करा, डॉक्टर ने बोला कि बस ये दवाई खानी है 5 दिन, उसके बाद नहीं खानी। तो बस अभी मैं ना कल गई थी सैटरडे को, आज संडे को आ गई हूँ, और बस अभी ना मैं अपने घर आ चुकी हूँ, तो लेटी हुई आराम कर रही हूँ, क्योंकि ना बस में ना मतलब वही है ना कि पोल्यूशन वगैरह होता, तो काफ़ी बाहर ट्रैफिक वगैरह होती है उससे पोल्यूशन होता है ना, तो वो मतलब दिमाग में ऐसे हो जाता है जैसे थकावट सी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस अभी मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, और 6:15 बजे के करीब पहुँच गए थे हम, मैं और लक्की। तो बस अभी घर आ चुके हैं अपने, और मन भी नहीं लग रहा, वो कह मायके से आते हैं ना फिर अपना मन नहीं लगता यहाँ पे, तो वहाँ पे तो काफ़ी मतलब बच्चे भी थे, हरियाली सब कुछ था, अपने घर की तो बात ही अलग होती है, तो इस वजह से। तो बस और गाइज यहाँ पे ना लक्की से ना फिर मैंने बर्गर मंगा लिया था, क्योंकि मेरा ना रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से। तो फिर ये लक्की ना आते हुए बर्गर ले आया था, मार्केट गए थे तो घर से आने के बाद, बस फिर मैं बर्गर खा के और दूध पी के हम ऐसे ही सो गए थे दोनों मम्मी बेटा। तो बस यहाँ पे बातें कर रही थी मैं इसके साथ, उसको कुछ बता रही थी कि अपने मायके गए थे मेरा भांजा, वहाँ पे मेरे लिए बर्गर लेके आया था, तो उसके बारे में बता रही थी मैं। कह लक्की वो इतना महंगा बर्गर लेके आया था और मतलब इतना खास भी नहीं था, लेकिन मेरे को खाना पड़ा क्योंकि काफ़ी महंगा था वो, तो इस वजह से। और यहाँ पे पूछ रहा था मम्मी टेस्टी है, मैंने कहा हाँ टेस्टी है बेटा। और यहाँ पे ये ना बूर उतारने वाली मशीन है, जैसे अपनी कोट स्वेटर वगैरह पे आ जाता है ना बूर साथ, तो वो उतारने वाली थी, तो ये लक्की चाचू लेके आया था मतलब, तो फिर लक्की इसको यूज़ कर रहा था। और आप देख सकते हो मतलब लक्की की ना एक हुड्डी से कितना सारा मतलब बूर उतरा है, और बिल्कुल ऐसे नई जैसी हो गई थी जैसे अभी नई लेके आए हैं दुकान से, तो मतलब बहुत ही अच्छी मशीन थी ये, तो मुझे भी पसंद आई। और यहाँ पे मैंने शाम को बनाए थे आलू के पराठे, और ये क्लिप ना गाइज मतलब ये वाली भी, और जो मैंने बूर स्वेटर वाली दिखाई है पहले की थी जब मैं बीमार हो रही थी काफ़ी, तो उसके बाद मैं ठीक हुई थी, तो मतलब कि फिर मुझे ना मेरा मन था कुछ चटपटा खाने का, तो फिर उस दिन मैंने आलू का पराठा बनाया था अपने लिए भी लक्की के लिए भी, बस खाया मैंने थोड़ा ही था। और ये लक्की ना मतलब कि ये दिसंबर की क्लिप है, लक्की ना मतलब कि कहीं गया था घूमने के लिए, तो वहाँ से लेके आया था ये ट्रक अपने डैडी की गाड़ी में रखने के लिए, और काफ़ी मतलब ना इसको देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली का ट्रक हो जैसे, मतलब उसका वो बोल देते ना मॉडल मॉडल था ये ट्रक का, तो मतलब कि बिल्कुल रियल में असली लगता है देखने में, और अच्छा था काफ़ी। तो इसने अपने डैडी की गाड़ी में रख दिया था ये, और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसकी ना क्लिप निकाल ली थी, तो मैंने कहा जब भी मैं व्लॉग वगैरह डालूंगी ना तो उसमें डाल दूंगी। और आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ना असली के ट्रक जैसा लग रहा है ये।